विद्वतगण, देवियों और देवताओं, विद्वानों ने हम और आपके सामने उत्तम विचार रख के उससे हम लोग लाभान्वित हुए। ये कबीर विचार गोष्ठी है, कबीर के संबंध में चर्चा। कबीर शब्द का अर्थ ही होता है महान, बड़ा, ईश्वर। यह अरबी भाषा का शब्द है। कबीर का जन्म कहाँ हुआ ये पता नहीं। लोक कहावत के अनुसार, लार तारा तालाब पर नीरू नीमा पाए जो मुस्लिम चुराहे थे। यदि नीरू नीमा से पैदा हुए हो तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर वो पाए तो भी कोई हर्ज नहीं। इस ढंग से पाने से लोगों में थोड़ा हतोत्साह का भाव होता कि माँ बाप का पता नहीं, किंतु किसी के मूल्यांकन के लिए उनके माँ बाप की आवश्यकता नहीं होती, किंतु उनके गुणों, ज्ञान और आचरण की आवश्यकता होती है। मनुष्य के मूल्यांकन के मानदंड माता पिता नहीं, जात बिरादरी नहीं, किंतु उसके खुद ज्ञान और आचरण होते हैं। ऐसी घटनाएं दुनिया में बहुत होती हैं। सीता जी को जनक ने खेत में पाया था, यज्ञ भूमि शोधन के लिए जनक जी हल चला रहे थे। वाल्मीकि रामायण में इसकी तीन बार चर्चा आती है। सीता जी पृथ्वी से निकले, सुबह का समय था, हल चला रहे थे, जमीन बराबर करने के लिए मुहूर्त के समय राजा लोग सोने का हल थोड़ा चला देते थे। जैसे कोई तालाब खोदना हो तो बड़ा नेता आता है, पांच बार कुदारी मार देता है, ऐसे ही होता था। और जमीन तो बराबर मजदूर करते थे। हल चला रहे थे, एक कलश में एक शिशु मिला, झट से उन्होंने उठा लिया। सीता इसलिए नाम रखा क्योंकि वैदिक भाषा में हराई को सीता कहते हैं। जब हल चलाया जाता है तो मिट्टी में नाली बनती है, जमीन में, उस नाली को सीता कहते हैं। वेद में कृष्ण की अधिष्ठात्री देवी भी सीता नाम से जानी जाती है। लांगल पद्धति यानी नागर चलने से जो जमीन में नाली बनती है उसको सीता कहते हैं, इसलिए सीता नाम पड़ा। महाराज राम क्षीर भोजन से पैदा किए गए, इसलिए दोनों का मजाक जनकपुरी में उड़ाया गया। जनकपुरी में जब राम जी विवाह के बाद बैठे महिलाओं के बीच में, गोस्वामी जी के मानस में आता है, मूल में कुछ लोग मानते ही नहीं है प्रक्षेप है, लेकिन है बड़ा ज्वलंत। महिलाओं ने मजाक करना शुरू किया राम का, अति उदार करतूतिदार सब अवधपुरी की बामा, खीर खाए पैदा सुत करती पतिकर कुछ नहीं कामा। अयोध्या की स्त्रियां बड़ी उदार हैं और चमत्कारी हैं, वे खीर खा लेती और गर्भवती हो जाती, पद की जरूरत नहीं पड़ती। तो सखी वचन सुन के रघुनंदन बोले मृद मुस्काते, आपन चाल छिपाओ प्यारी कहो आने की बातें, कोई नहीं जन्मे माता पिता बिन, बांधी वेद के नीति, तुम्हारे तो सब महिते उपजे असमरे नहीं रीति, अपनी चाल छिपाती हो हमारी खोलती हो, माता पिता बिना कोई नहीं जन्मता है। हाँ ये सुनता हूँ कि जनकपुरी में सब पृथ्वी फोड़ फोड़ के निकलते हैं। तो दोनों का मजाक उड़ाया गया। सृष्टि क्रम के विरुद्ध कुछ नहीं होता है, माँ बाप के बिना कोई नहीं जन्मता है। जो पौराणिक कबीर प्रेमी लोग ये कहते हैं कि कबीर साहब आकाश से आए, उनकी भावुकता है। धर्म के क्षेत्र में चमत्कार की कल्पना बहुत है।
धार्मिक लोगों को बुला लो, फिर तो देखो होड़ चमत्कार की बात कितनी करेंगे, एक दूसरे से बढ़ जाएंगे। आप झूठ बोलेंगे, मैं भी झूठ बोलूँगा। आप अपने गुरु को बड़ा बनाने के लिए झूठ बोलेंगे तो अपने गुरु को बड़ा बनाने के लिए हम डबल झूठ बोलेंगे। धर्म के क्षेत्र में झूठाई खूब है, सारे चमत्कार केवल झूठे हैं। सब कुछ युक्त युक्त होता है, सृष्टि क्रम के अनुकूल होता है, सृष्टि क्रम के विरुद्ध कुछ नहीं होता। किसी भी महापुरुष या देवियों के मूल्यांकन के मानदंड उनके माता पिता जात बिरादरी नहीं, उनका आचरण और ज्ञान है। कबीर भी एक मनुष्य थे और किसी नरनारी से पैदा हुए, पाले गए नीरु नीमा यहाँ। मैंने पहले कहा था अगर उन्हीं से पैदा हुए हों तो बहुत अच्छा है, कोई हर्ज नहीं। उनके गुरु के विषय में विवाद, कौन गुरु, अधिकतम सम्मति है रामानंद स्वामी के लिए। कबीर साहब ने बीजक में जो उनका मौलिक ग्रंथ है उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं। शुरू शब्द है अंतर्ज्योति, अंतर्ज्योति शब्द एक नारी, अंतर्ज्योति अंतरात्मा को लेकर के वो उच्चारण करते हैं। अधिक इष्ट को लोग शुरू में कहते हैं, वेद शुरू होता अग्नि मेरे पुरोहितम यज्ञ से देव ऋतजम होत आरम रत्न धातवम। ऋग्वेद पहला वेद है और ऋग्वेद का यह पहला मंत्र है अग्नि मेरे पुरोहितम, अग्नि से शुरू होता है वेद, अंतर ज्योत से शुरू होता है होती है कबीर वाणी और मन से शुरू होती है बुद्ध वाणी। तो जो अधिक जो इष्ट होता है उसको लोग शुरू में कहते हैं। कबीर अंतर ज्योत के पक्षधर है, अंतरात्मा के गुरु मानते हैं, बारंबार गुरु की प्रशंसा है उनकी वाणी में। रामानंद स्वामी के विषय में एक पंक्ति है, रामानंद रामरस माते कहें कबीर हम कह कह थाके। रामानंद स्वामी रामरस में माते रहे, मैं कह कह के थक गया, लेकिन वो नहीं समझे। इसमें निकटता और दूरी दोनों प्रतिबिंबित होती है। रामरस में कबीर भी माते थे, रामानंद भी माते थे, लेकिन दोनों फर्क था। रामानंद स्वामी परोक्ष राम के लिए माते थे और कबीर अपरोक्ष राम के लिए। प्रत्यक्ष परोक्ष अपरोक्ष ये तीन है, ध्यान दीजिए। इंद्रियों से प्रतीतमान जो कुछ है प्रत्यक्ष है, सारा संसार इसी में डूबा है, जो कि एक दिन छूट जाता है और कुछ उसका नहीं रहता। कुछ लोग इससे उपराम होते हैं, विरक्त होते हैं, तो परोक्ष में कुछ खोजते हैं, कहीं ईश्वर है, कहीं परमात्मा है, कहीं देवता है, जो मन की अवधारणा होती है और उसकी उपासना करते हैं, उससे उनके जीवन में कुछ संतोष होता है। क्योंकि प्रत्यक्ष की वस्तुओं को तो उन्होंने देख लिया, भोग करके संतोष न मिला। प्रत्यक्ष से जब वो कुछ विरक्त होते हैं और परोक्ष मन की अवधारणा में जीते हैं और इसी पवित्र कल्पना में जीते हैं तो उनको कुछ संतोष होता है, लेकिन पूर्ण संतोष नहीं होता है। पूर्ण संतोष अपरोक्ष बोध और अपरोक्ष स्थित में होता है। इंद्रियों का व्यापार प्रत्यक्ष है, मन का व्यापार परोक्ष है। इंद्रिय और मन दोनों का विश्राम जहाँ हो गया वो अपरोक्ष है, स्वयं है। गोस्वामी जी अलग ईश्वर मानते हैं, बल्कि वे श्री राम को ही सर्वे सर्वा मान लेते हैं। पूरे मानस में कोई आगंतुक को वह राम के सौंदर्य में मोहा देते हैं। राम के आँख नाक हाथ पैर ग्रीवा छाती सब बड़े सुंदर हैं, लेकिन जब वह अपरोक्ष की बात कहते हैं तब कहते हैं गो गोचर जानग मन जाई सो सब माया जान्यो भाई, देखी सुनी गुनी मन माही मोह मूल परमार्थ नाही। जहाँ तक इंद्रिय और मन का व्यापार है सब मोह का कारण है। तो अपरोक्ष आत्मा स्वयं, आत्मा परमात्मा कुछ को, जो दृष्टा है साक्षी है आत्मा है,
ये अपरोक्ष है। इस अपरोक्ष में कबीर रमते थे, मृगा किनावी कस्तूरी मृग ढूंढत बनमाए, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत ना है। राम और रहीम उन्होंने एक बात कही कि राम रहीम एक, अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया। एक त्वचा हाड़ मलमूत्रा एक रुधिर यज्ञोदा एक बूंद से सृष्टि रची है को ब्राह्मण को शूद्रा, रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर सतो गुणी हरि होई, कहीं कबीर राम रम रही है हिंदू तुर्क न कोई। राम और रहीम का भेद कुछ नहीं, अल्लाह अरबी भाषा का शब्द है, अल और इलाह ये दो पदों को मिल करके शब्द बनता है, अल आदरणीय इलाह पूज इसका अर्थ होता है। जैसे इंग्लिश में दी आदर के लिए दी लगाया जाता है, तैसे अरबी में आदर के लिए अल लगाया जाता है, अल आदरणीय इलाह पूज। और वेद का पहला मंत्र जो मैंने अभी कहा था, अग्निमेले पुरोहितम यज्ञस्य, साणाचार्य भाष्य करते हुए लिखते हैं अग्निनामकम देवम ईड़ अस्तुता विद्धातु। अग्नि तो अग्नि नाम का देवता है और ईड़ इले अस्तोम, इले का अर्थ है अस्तुति योग्य, क्योंकि ईड़ अस्तुता विद्धातु, ईड़ धातु अस्तुति परक है। ईड ईल इलाह एक बात है, वेद का ईल इलाह ये दो नहीं है। घुटने टेक करके मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, वेदों में अनेक बार आता है घुटने टेक करके प्रार्थना करने की बात। वशिष्ठ सरस्वती नदी के तट पर घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं। दुआ अरबी भाषा का शब्द है जो आशीर्वाद और प्रार्थना के लिए प्रयुक्त होता है, वही उच्चारण और वही भाव वेद में बारंबार आता है। देवे स्कृत तो दुआ, देवता के लिए हम दुआ करते हैं, भेद कुछ नहीं है, भेद हमने बनाया है और बिगाड़ा है। अपरोक्ष राम में कबीर रमते हैं, स्वामी रामानंद परोक्ष राम में अपने से अलग मान, ये भेद था, ये दूरी थी, निकटता ये थी कि कहीं कहीं थाके हुए कहते हैं, कहीं कबीर हम कहीं कहीं थाके अपने पुत्र के लिए पिता के लिए निकट वालों के लिए कहीं कहीं थाकने का प्रयोग होता है, मानो पिता ही है शराब पीता है, बहुत परेशानी है। कोई पूछता है लड़के से, अपने पिता को रोकते नहीं हो, पुत्र कहता है काका के थक गया, वो मानती नहीं। लड़के के लिए भी कहा जा सकता है काका के थक गया, लेकिन नहीं सुधरता। काका के थकने का प्रयोग अपनों में होता है, इसलिए जो लोग कहते हैं रामानंद कबीर के गुरु नहीं है वो भूल में, और जो लोग कहते हैं कि रामानंद कबीर के पूर्ण गुरु है वो भी भूल में। कबीर के विचार और रामानंद स्वामी के विचार अलग है, लेकिन काशी में रामानंद स्वामी जैसा वैराग्यवान पुरुष, एक अच्छा संत, कबीर जैसे जिज्ञासु और मुमुक्षु के लिए उपयोगी रहा होगा, लाभ लिए होंगे, लेकिन विचारों का अंतर था। इसलिए स्वामी रामानंद को मर्यादा की दृष्टि से गुरु मानना बुरा नहीं। तीसरी बात गृहस्थ होने की, जैसे पांडे जी ने कहा तो ऐसे प्रवाह है, लोग कहते हैं तो पांडे जी ने उसको दोहराया, पांडे जी का कोई दोष नहीं, ऐसा पढ़ाया जाता है। कबीर पंथ में इस ढंग का प्रयास भी अभी तक नहीं हुआ है कि सरकार से इसको बलपूर्वक पेश करे इस बात को। कबीर विरक्त संत थे, वो गृहस्थ नहीं थे। लोई नाम का कोई भी शब्द बीजक में नहीं है, लोई शब्द है, कहीं कबीर सुनो नर लोई भूतो पुजले भूतवा होई। लोई लोगों के लिए अन्य कवियों के शब्दों में वाणियों में भी आया है। लोई उनकी पत्नी की ब्रह्मपूर्ण है, वे विरक्त संत थे। किसी महापुरुष के जीवन को समझने के लिए आंतर साक्ष और बाह्य साक्ष होते हैं, बाह्य साक्ष है उनकी परंपरा, आंतर साक्ष है उनकी वाणी। कबीर पंथ बाह्य साक्ष है,
जो देश विदेश में फैला है। कोई भी शाखा कबीर पंथ की ये नहीं मानती है कि कबीर गृहस्थ थे। कबीर पंथ में एक शाखा गृहस्थ का गुरुओं की है, लेकिन वे भी नहीं मानते हैं कि कबीर साहब गृहस्थ थे। अंतर साक्ष उनकी वाणी है, बीजक और अन्य वाणियां भी वैराग से भरी हुई है। कहते सुनते ऐसा कुछ बढ़ गया, वैसे पढ़ाई होने लगी और उसी का प्रचार हुआ। प्रचार होते होते कुछ का कुछ हो जाता है। श्री कृष्ण महाराज बहुत बड़े क्रांतिकारी पुरुष थे। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 96वें सूक्त में 13 से 16 मंत्रों में श्री कृष्ण की चर्चा आई है। जो वन्य जातियों के 10,000 वन्य जातियों के नायक थे, इंद्र के विरोधी थे, कर्मकांड के विरोधी थे, वैदिक कर्मकांड के विरोधी थे और महान क्रांतिकारी थे, इसका खुलासा तो पुराणों में भी आता है। इंद्र कृष्ण युद्ध को लेकर के सर राधा कृष्णन ने इंडियन फिलॉसफी में इसको इसी ढंग से रखा है। शरणाचार्य ने अपना भाष्य करते हुए वेद का, उन्होंने भी इसी ढंग से रखा है। वेद क्या कहते हैं, जो मेरी पुस्तक है, इन दोनों महापुरुषों को मैंने उद्धृत किया है। श्री कृष्ण महाराज क्रांतिकारी थे। गीता में उनकी क्रांति की बात आती है, यामि माम पुष्पताम वाचम प्रवदन विपश्चिता। जो दिखाओ शोभायुक्त वाणी, वेदों की दिखाओ शोभायुक्त वाणी में भूले हैं, उनकी बुद्धि स्थिर नहीं है। इस प्रकार वो तर्कशील थे और करोड़ों स्त्रियों को लेकर के वे रास करते थे। आप कहेंगे करोड़ों नहीं, हजारों, गर्ग संहिता पढ़िए, अरबों अरबों। एक बार तो एक रथ पर 10 अरब गोपिकाओं को बैठा करके राधा चली कृष्ण से लड़ने के लिए, कि कृष्ण कुछ गोपिकाओं को लेकर के और रंग रास करते हैं, क्या हम लोग नहीं है सखी? तो 10 अरब गोपिकाओं को बैठाया रथ पर। ऐसा रथ था जिस पर 10 अरब लोग बैठ सकते थे, अतिशयोक्ति की तो सीमा नहीं है। ऐसा बढ़ाया गया, ऐसा विकार किया गया। जब मेरा एक लेख छपा श्री कृष्ण पर, अयोध्या के पंडितों ने पढ़ा तो बहुत खुश हुए, कहे ऐसा तो मैंने, हम लोग सोचे ही नहीं थे। कृष्ण के साथ रास को जोड़ना बिल्कुल अनर्थ है, कभी उन्होंने रास नहीं की। श्री कृष्ण जब 85 वर्ष के थे, तब युधिष्ठिर का राजस्व यज्ञ हुआ है। उस यज्ञ में शिष्यपाल, जो श्री कृष्ण का फूफेजात भाई था और जबलपुर का था, चेद देश जबलपुर क्षेत्र है, उसने गाली दी है श्री कृष्ण को, बहुत गालियां दी है। उसी के बाद उन्होंने उसको मारा है, लेकिन ये नहीं कह सका है कि कृष्ण रसिया है। कृष्ण के 85 वर्ष की उम्र में भी उनको कोई रसिया नहीं कह सका है। आगे चल करके रसिया कहकर कितना विकार किया गया है कि हद हो गया है। श्री राम एक पत्नी बरती है, पूरे वाल्मीकि रामायण में एक पत्नी वर्ती है। जब भरत आते हैं तो दशरथ का मरण सुन करके व्याकुल हो जाते हैं। तो फिर पिताजी ने कुछ कहा, कई कई ने कहा कि पिता तुम्हारे इतने कहे हैं कि जो राम को देखेगा वो सुखी रहेगा। कहीं तो राम कहाँ है? तो कहे वो तो जंगल चले गए। क्यों? क्या उन्होंने परिस्त्री पर कुदृष्टि डाली? क्या उन्होंने किसी की निरपराध की हत्या की? क्या किसी का धन छीना? कई कई कहती है राम तो पराई स्त्री पर नजर भी नहीं ले जाते हैं, कुदृष्टि कैसे करेंगे? कोई अपराध नहीं, केवल मैंने ही प्रेरणा किया कि भरत को राज मिलना चाहिए और उनका 14 वर्ष का वनवास। तो भरत दुखी हो गए। कई कई उस समय विरोधिनी है राम की, मौलिक विरोधिनी वो नहीं, वो तो मंथरा के कहने से उसका दिमाग विकृत हुआ था, लेकिन उस समय विरोधिनी है। फिर भी वो कहती है कि राम पराई स्त्री ऊपर नजर ही नहीं ले जाते। पूरी वाल्मीकि रामायण में राम कहीं
बहुपत्नी वाले नहीं है, केवल एक पत्नी सीता है। लेकिन श्री कृष्ण की रास का प्रचार खूब हो गया था तो राम भक्तों में प्रचार बढ़ा, तो बृहत कौशल खंड हनुमत संहिता महारामायण अनेक संस्कृत में रामायण हैं, जिसमें इतना अभद्र श्री राम को रासलीला बन रचने वाला कहा गया है। लेखक ने स्वयं लिखा है कि इसको भक्तों में कहना चाहिए, आम जनता में नहीं, इतना अभद्र। तो ये कहते कहते एक हाथ की ककड़ी नौ हाथ के बीच कहीं कैसे कहे, कहते 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 बढ़ गया। कबीर के विषय में भी गृहस्थ की कल्पना हुई, लिखे पढ़े लोग, उस पर कोई पाल नहीं किया, ये बढ़ता गया। कबीर विरक्त थे। कबीर जीवनी मैंने लिखी है, उसका वह आला अंश जिसमें लोग गृहस्थ सिद्ध करते हैं उसका अंश मैंने डॉक्टर रामकुमार वर्मा को भेजा रजिस्ट्री, वो कोई उत्तर नहीं दिया। एक महीना बीत गया मेरे साथ हो गए कि गुरुजी ने भेजा था आपको मिला, कहे मुझे तो नहीं मिला। रजिस्ट्री पत्र आप जानते हैं, या तो उसको मिलेगा या तो प्रेषक को लौट के मिलेगा। मिला उनको लेकिन झूठ बोल गए और उत्तर नहीं दे सके। जब मिले भी तो सिर झुकाए रहे, ऐसा फुहर फुहर उन्होंने लिखा है गलत। ऐसा जो प्रसिद्ध विद्वान हैं उन्होंने ऐसा गलत निर्देश भेजा समाज में, जैसे राम और कृष्ण के लिए भक्ति भावना की सनक में रसिया बना करके समाज में फैलाया गया। अब आज जगतगुरु कहलाने वाले श्री कृष्ण की रास करवाते हैं पंडालों में, ये दुर्भाग्यपूर्ण। कबीर विरक्त थे, इस पर विशेष समय बिताने की आवश्यकता नहीं। कबीर ने समाज को क्या दिया? आज के जमाने में तो कबीर बहुत प्रासंगिक हैं। धर्म के नाम पर आजकल टूटन है, पढ़ा लिखा समाज आगे बढ़ रहा है और वो कहता धर्म की किताबों में अप्राकृतिक वर्णन है।